चैनल सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दिवाली मेकअप ट्यूटोरियल। और ये बिल्कुल मैंने न्यूट मेकअप किया है। सो ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है इसको देखने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा। मेक श्योर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपके जो लाइक्स होते हैं ना उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। सो लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने क्या किया है, अपने पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है। आप फेस वॉश भी कर सकते हो और वेट वाइप से अच्छे से क्लीन भी कर सकते हो, तो वो सब मैंने कर लिया है। सो उसके बाद मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर ये मेबलिन का फाउंडेशन और पॉन्ड्स का जो बीबी प्लस है, ये इन दोनों को मैं मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। तो पहले मैं इसको ले लेती हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली मैं अभी जो है फाउंडेशन पे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं वेस्ट कर सकती, तो जो मेरे पास है फाउंडेशन मैं उसी में अपना जो ये पूरा मेकअप लुक है उसी में मैं करती हूँ। कल को अगर देखती हूँ अगर यूट्यूब का वीडियो कोई वायरल होता है तो मैं पैसे भी इन्वेस्ट करना मुझे सही लगेगा, बट अभी तो मैं इसी फाउंडेशन से ही काम चलाऊँगी। मैं क्या ना कि ये मैं दिवाली मेकअप कर रही हूँ, सो मैं बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करूँगी, बिल्कुल न्यूड मेकअप रहेगा। बहुत कम मेकअप यूज़ करूँगी और उसे एक अच्छा सा लुक क्रिएट करूँगी। इसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर आपके पास फाउंडेशन है, क्रीम है और लाइनर है तो इन सब चीज़ों से भी बहुत अच्छा मेकअप लुक आप क्रिएट कर सकते हो। सो बस मैं वही ट्राई करूँगी। और मैंने जब फेस क्लीन किया था मैंने मॉइस्चराइज़र अपने फेस पर अप्लाई कर लिया था, सो वो मैंने शूट नहीं किया था। उसके बाद मैं सिर्फ फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। प्राइमर है तो आप प्राइमर भी यूज़ करिए, प्राइमर भी बहुत अच्छा रहता है मेकअप करने से पहले, बट मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र का यूज़ किया था, सो मैं डायरेक्ट उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। बहुत न्यूड मेकअप मेरा रहेगा, कोई भी कॉलेज गर्ल होंगे वो लोग अच्छे से अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पूरे फेस पर मैंने डॉट डॉट कर लिया है और अब मैं इसे आप ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करूँगी, उससे पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उस बनाया उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी आराम से। ब्लेंडर को आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा उसके बाद ही करेंगे तो फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा। एक वो कभी भी मत भूला करिए अपना जो नेक एरिया वहाँ पर भी फाउंडेशन ज़रूर लगाया करिए। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद अब मैं यूज़ करूँगी कंसीलर। सो कंसीलर भी मेरा मेबलिन का ही है, मेबलिन का ये मीडियम 25 है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसको जहाँ जहाँ आपको डार्क सर्कल लगे वहाँ वहाँ आप इसे अप्लाई कर लो। तो मैं इसे नीचे आई के करूँगी अप्लाई और आईलेट पे करूँगी। इसको आप वी शेप में आपको करना है। थोड़ा सा किनारे किनारे भी कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ भी थोड़ा सा ब्लैक रहता है। कंसीलर ब्लेंड करने के बाद मैं यूज़ करूँगी लॉरियल का ये जो कॉम्पैक्ट है, मैं इसको यूज़ करूँगी अपने पूरे फेस पे। और इसको मैं ब्लेंडर की हेल्प से नहीं करूँगी, इसको मैं करूँगी ब्रश की हेल्प से। फाउंडेशन को और कंसीलर को अच्छे से सेट कर लूँगी। कि ये जिस ब्रश से मैं ये पूरा मेकअप कर रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर आप बिगनर्स हो तो आप इस ब्रश को परचेज़ कर सकते हो और इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है,
सो आप चेकआउट कर लीजिएगा, उसमें मैंने सारे ब्रशेस से अच्छा सा कैसे यूज़ करते हैं मैंने वो उसमें दिखाया है, और उसी ब्रश की हेल्प से मैंने एक अच्छा सा मेकअप लुक भी क्रिएट किया है। तो आप लोग एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये ब्रश काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और प्लस आपके बजट में है। तो ये पूरा अच्छे से मैंने अपना कॉम्पैक्ट से सेट कर लिया है। इसको करने के बाद मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अपना आई मेकअप करूँगी, और आई मेकअप भी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा जो ये पूरा मेकअप है ये न्यूट रहेगा। सो आई मेकअप में भी मैं बहुत ज़्यादा कलर नहीं लूँगी। आई मेकअप में आप देख रहे हो यहाँ पे जो मेरा न्यूट शेड है ये ब्राउन है, ये दोनों इन दो शेड को मिक्स करके मैं अपना अच्छा सा आई लुक क्रिएट करूँगी। ये देख रहे हो, सबसे पहले मैं अपनी आईज पे इसी को यूज़ करूँगी। मेकअप हो चुका है और बहुत न्यू कलर मैंने यूज़ किया है। अगर आप चाहो तो इसमें ब्लैक आई शेडो का भी यूज़ कर सकते हो साइड में हल्का सा, तो इससे जो आपका आईज़ है वो आई शेडो वो थोड़ा सा और खिल कर आएगा और अच्छा लगेगा। तो मैंने पहले सोचा था मैं केवल ब्राउन ही लूँगी, बट अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे यहाँ पे जो ब्लैक शेड है इसका यूज़ करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा मैं ब्लैक शेड नहीं लूँगी, बहुत कम लूँगी। तो ये देखिए मैंने बहुत कम अमाउंट में लिया है ब्रश पे अपने, बहुत कम अमाउंट में। सो अब देखिए मैं बहुत हल्का सा ब्लैक कलर यहाँ पे रखूँगी बिल्कुल इस तरीके से, और इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। आपका आई शेडो बहुत ओवर भी नहीं लगेगा और बिल्कुल न्यूड में आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से ब्राउन कलर लूँगी और एक बार और अपनी क्रीज एरिया पे अच्छे से करूंगी। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि कितना मैंने दो आई शेडो से बिल्कुल न्यूड मेकअप किया है। अगर आप चाहते हो ब्लैक आई शेडो का यूज़ करना सो आप कर सकते हो, और अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप ये ब्लैक कलर बिल्कुल स्किप कर सकते हो, केवल ब्राउन ही आई शेडो का यूज़ करके आप अच्छा से लुक कर सकते हो अपनी आईज़ का। ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट आई लाइनर है, उसके साथ साथ ये आपका बजट फ्रेंडली है, तो ये NY का मैं यूज़ करने जा रही हूँ। जब भी आप लाइनर को लगाइए तो ये साइड में आप देख रहे हो इतना ज़्यादा लगाना, अगर आप इसको ऐसे कर दोगे लगाने से पहले तो जो आपका एक्सेस लाइनर है ना वो आपकी पलकों पे नहीं लगेगा और आपका लाइनर बहुत अच्छे से लग जाएगा। ये देखिए मैंने जितना एक्सेस लाइनर था यहाँ पे वो मैंने हटा दिया है, उसके बाद जब आप लगाओगे तो आपकी पलक पे बिल्कुल नहीं लगेगा। यहाँ पर मेबलिन का काफी अच्छा काजल है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ब्लैक ब्लैक हो जाएगा तो बहुत ओवर लग जाता है। ब्लैक हल्का सा करने के बाद अगर उसमें आप ब्राउन से फिल कर दोगे ना तो वो दोनों कलर मिक्स हो जाएगा और जो आपकी आईब्रोज है बिल्कुल नेचुरल लगेंगे, बिल्कुल ओवर नहीं लगेगा कि आपने अपनी आईब्रोज पे बहुत ज़्यादा कुछ कलर यूज़ किया है। तो बहुत हल्के से मैं ब्लैक लूँगी ज़रा सा, इसी में फिल करूँगी ब्राउन से, इसे आप देखिएगा बिल्कुल ओवर नहीं लगेगा। ये देखिए ये आप ये वाला आईब्रो आप देख सकते हो और ये वाला, तो आपको लग रहा हो कि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा ओवर नहीं किया है बहुत ज़्यादा, तो इसी तरह मैं अपनी जो दूसरी आईब्रो उसको भी मैं फिल कर लूँगी। सो मेरी आईब्रोज़ भी आप देख रहे हो कि दोनों अच्छे से पूरा दोनों आईब्रोज़ मैंने फिल कर लिए, और मेरी आईब्रो की जो एक्चुअल शेप है मैंने बस उसी को फिल किया है, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं लिया है। आईब्रो फिल होने के बाद मैं उसके बाद यूज़ करूँगी हाइलाइटर भी नहीं यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं लगाऊँगी आई लैशेज। तो यहाँ पर आई लैशेज मैंने ये मैक का लिया है, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया है और ये मुझे 50 रुपीज़ में मिल गया था। आई लैशेज लगा लिया, आई लैशेज लगाने के बाद अब मैं लगाऊंगी ब्लशर, और ब्लशर में शेड यूज करूंगी, और यहाँ पर मैं आज कॉन्टोरिंग बिल्कुल नहीं करूंगी, सिर्फ ब्लशर यूज करूंगी, उसके बाद मैं हाइलाइटर का यूज करूंगी, इसको मैं फिंगर से ही ब्लेंड करूंगी, और उसके बाद मैं ब्रश से अच्छे से दोबारा से मिला दूंगी जिससे हाइलाइटर और ब्लशर कुछ भी डिफरेंट ना लगे।
हैप्पी कलर भी बोल सकते हो, तो मैंने ये वाली लिपस्टिक लगाई है और मेकअप मेरा ये पूरा कंप्लीट है। सो मैं अभी मिलूंगी आपसे पूरा हेयर स्टाइल वस्टाइल करने के बाद। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये आज का जो मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।